झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार एक बार फिर से संकट में आ गई है। ईडी के छापेमारी और पूछताछ के बाद जहां हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया, वहीं विधायक दल के नेता के रूप में चंपई सोरेन का नाम सामने आया है। चंपई सोरेन सोरेन परिवार के जहां सबसे विश्वसनीय रूप में और नेता के रूप में, परिवार के रूप में नाम आता है, वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा में हनुमान के रूप में चंपई सोरेन को देखा जाता है। राजभवन में आज जहां विधायक दल के नेताओं को जाने से रोक दिया गया, वहीं राजभवन के अधिकारियों ने कहा केवल प्रतिनिधिमंडल ही राजभवन में जा सकता है। हालांकि ईडी की पूरी ये पूछताछ अभी राजभवन में जारी है। इस बीच राजनीतिक संकट बढ़ चुका है, लेकिन सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की गठबंधन की ही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के कई नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। इस बीच जो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, उस बीच भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और कांग्रेस दोनों आमने सामने आ गया है। जानेंगे पूरी तफसील से झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के नेताओं ने क्या कुछ खास कहा और झारखंड में अभी राजनीति की स्थिति क्या है। भाजपा का भ्रष्टाचार जो है वो भ्रष्टाचार नहीं है, यही न है उनका, तो इसलिए भाजपा के नियत और नीति पे बहस सब देश नहीं कर सकता है जिसने पूरे देश के संघीय ढांचा को खत्म कर दिया। अभी तो हिरासत में है, आपने देखा होगा कि ईडी की टीम के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी गवर्नर के पास गए हैं, सुनने में आ रहा है कि इस्तीफा देने गए हैं, उसके बाद ही आगे की रणनीति तय होगी। तमाम हमारे विधायक साथ में है, मंत्रीगण साथ में है। जी मऊआ जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री से सुबह से पूछताछ चल रही थी, उसके बाद वो राजभवन आए इस्तीफा सौंपने, इस्तीफा देंगे क्या मुख्यमंत्री? ऐसी सूचना तो है, अभी हम लोगों से वो मिल नहीं पाए हैं, लेकिन यही बात आ रही है। मैम आप हम लोगों के साथ विधायक भी जा रहे थे राजभवन में, लेकिन विधायकों को जाने, हाँ उनका अभी टाइम, अभी 5 लोगों का ही की बात हुई थी, तो शायद इस्तीफे के बाद सबको जाने के लिए दिया जाएगा। विधायक दल की मीटिंग में चंपई सोरेन जी को मुख्यमंत्री का अगला मुख्यमंत्री वही जी, यही निर्णय हुआ है कि चंपई सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। और ये शपथ ग्रहण का कोई समय तय नहीं, अभी ये सब बात नहीं हुई है। जी नहीं, ये जो समर्थन पत्र है आप लोगों ने राज्यपाल को सौंपा है? नहीं, उसको सौंपने के लिए ही जाना चाह रहे थे लोग, लेकिन अभी फिलहाल सब लोग वेट कर रहे हैं, सारे विधायक, हमारे पास संख्या बल पूरा है, जितना होना चाहिए उससे भी ज्यादा है। अंदर गए हैं शायद, ऐसी सूचना आ रही है। जी दल के नेता के रूप में चंपई सोरेन को हम लोगों ने चुन लिया है, महामहिम राज्यपाल महोदय से निवेदन करने आए हैं कि उनको ओथ कराएं।